गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, मैं भी अच्छे से हूँ और आपके अपने चैनल में फिर से एक बार एक नए ब्लॉग लेकर आई हूँ, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, तो अभी सुबह के 4 बज रहे हैं और हम लोग व्रत हैं, अभी जीवित पुत्रिका का व्रत हैं। तो हम लोग सुबह से ही रात में ही पूरी तैयारी कर ली थी और मम्मी जी भी उठ गई हैं, मुझसे पहले ही उठ गई थी। और सोची तो थी कि 3 बजे ही उठ करके बनाना शुरू कर दूंगी, लेकिन 4 बज गया। अभी नहा करके फ्रेश हो करके फिर आई हूँ किचन में। तो मैं रात में ही दाल भिगो दी थी और मैं जब किचन में आई तो मम्मी जी भी आ गई थी और दाल मेरी उड़द की और चने की दोनों फूल गई हैं। तो मम्मी जी दाल को साफ़ कर दी, क्योंकि उड़द की दाल छिलके वाली थी। और हम लोगों को बहुत सारी तैयारियां करना है, बहुत सारा खाना बनाना है फ्रेंड्स, क्योंकि मम्मी जी अपने सासू माँ को चढ़ाती हैं सुबह सुबह। तो यहाँ सबसे पहले मैं चने की दाल कुकर में रख दूँगी, तो थोड़ा सा तेल, थोड़ा सा जीरा और सूखी लाल मिर्च डाल करके हम चने की दाल को कुकर में थोड़ा सा आधा गिलास पानी डाल करके, यानी दाल के लेवल में पानी रहना चाहिए, ज़्यादा नहीं, और नमक हल्दी डाल करके 4 सीटी लगा देंगे, क्योंकि चने की दाल में थोड़ा सा टाइम लगता है और हमारा पूरन बन जाएगा। और एक तरफ हम परवल को फ्राई कर लेंगे, क्योंकि आलू परवल की सब्ज़ी और पूरन पूड़ी बनाना था। तो परवल मम्मी काट दी थी और मैंने परवल को तलने के लिए रख दिया, तो एक साइड में पूरन बनाने के लिए रख दी और एक साइड परवल फ्राई किया। और सुबह में पता तो नहीं था, मैं सोची कि रितिका की छुट्टी होगी, लेकिन उसकी पढ़ाई है, मैसेज आया कि नहीं स्कूल रहेगा, तब तो और फटाफट जल्दी जल्दी सब करना पड़ा कि जल्दी से मम्मी चढ़ा लेंगी तो उसको टिफिन भी दे देंगे हम। तो उड़द की दाल फूल गई थी तो उसको पीस लिए हैं वड़ा बनाने के लिए। तो उसमें डालेंगे जैसे भुना जीरा पाउडर, काली मिर्च का पाउडर और हरी मिर्च और अदरक मैं दाल के साथ ही पीस दी थी, और नमक डाल करके उसको फ्राई कर लेंगे। और देखिए अभी दाल मेरी हो गई है, तो मम्मी बोली कि दीजिए मैं इसे पीस देती हूँ, तब तक आलू हम उबाल लेंगे। तो आलू उबलने के लिए कुकर खाली हो गया था, तो आलू उबलने के लिए रख दिया सब्जी बनाने के लिए। और फिर ये रिकवच भी बनाना था, अरबी के पत्ते का पकौड़ी, तो उसे मम्मी लपेट रही हैं, मैं सब तैयारी करके दे दी। तो उसमें डालते हैं प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, अदरक जिसको पीस लिया था, और बेसन में डालेंगे थोड़ा आमचूर पाउडर, जिससे गले में लगेगा नहीं, क्योंकि ये अरबी का कुछ पत्ता ऐसा होता है कि जो बहुत गले में लगता है और खा नहीं पाते हैं, बहुत दिक्कत होती है, तो इसलिए आमचूर पाउडर या आम का अचार कुछ भी हो तो आप उसमें डाल देंगे तो वो गले में लगेगा नहीं। तो सब तैयारी करके मैं मम्मी को दे दी और मम्मी उसे लपेट रही हैं। थोड़ी सी उड़द की दाल बड़ा में का मैंने बचा लिया था, उसमें मैंने मिलाया, जिससे बहुत ही टेस्टी बनेगा। जब भी आप अरबी के पत्ते का पकौड़ी बनाएं तो थोड़ी सी चने की दाल या उड़द की दाल दोनों को भी पीस करके बनाएंगे तो बहुत टेस्टी बनेगा। लेकिन अभी यहाँ बेसन में ही मैं उड़द की दाल को पीस करके मिलाई हूँ, तो उससे भी बहुत टेस्टी बनेगा फ्रेंड्स। तो देखिए मेरे सारे बड़े फ्राई हो चुके हैं। अब मैं देखिए आलू भी उबल चुका है, तो अब मैं उसमें रखूँगी एक स्टैंड कुकर में, और अरबी के पत्ते को आप इस तरह से बॉयल करेंगे फ्रेंड्स, तो एक सीटी में फटाफट बन जाएगा, क्योंकि जब समय कम हो और ज़्यादा कुछ बनाना हो तो फटाफट करने के लिए आप इसे कुकर में एक सीटी लगाइए और बहुत जल्दी उबल जाएगा। तो इसे नीचे स्टैंड लगाएंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे और एक प्लेट पे इस पत्ते को रख करके, जो रोल बना करके मम्मी दी थी उसे रख करके एक सीटी लगने तक हम गैस पे रख देंगे। और जब तक ये बॉयल हो रहा है तब तक आटा लगा लेते हैं। तो देखिए हमारे अरबी के पत्ते वाली जो रोल है वो भी बॉयल हो चुका है, और अब हम कुकर रखेंगे और उसमें बनाएंगे चने की दाल। चने की दाल के लिए तेल डालेंगे, उसमें लहसुन प्याज और डाल करके अच्छी तरह से भून लेंगे। तब तक तैयार हो करके रीत आ गई है, मम्मी जल्दी करिए क्योंकि मेरा टाइम हो गया है। अब मैं जल्दी जल्दी कर रही थी तो
नमक, हल्दी, मसाला, मिर्च सब डाल करके और थोड़ा सा भून लेंगे। फिर उसमें डालेंगे चने की दाल और पानी डाल करके हम ढक्कन लगा देंगे तो चने की दाल भी चढ़ती है। थोड़ी सी उसमें उड़द की दाल डाल देंगे क्योंकि उड़द की दाल डालना ज़रूरी होता है। और इधर एक तरफ तेल गरम हो गया है तो हम ये पकौड़ी भी फ्राई कर लेंगे रिक्वच वाली, तो पकौड़ी भी फ्राई हो रही है फ्रेंड्स। और आज के दिन हम लोगों को बहुत सारा पकवान बनाना होता है फ्रेंड्स। आप लोगों के यहाँ जीवित पुत्रिका व्रत के दिन क्या क्या बनता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे यहाँ तो ये सारी चीज़ें बनती हैं। तो जीवित पुत्रिका के दिन मम्मी जी अपने सास को चढ़ाती हैं और पितृ विसर्जन के दिन दादाजी को निकाला जाता है। तो बोलती हैं मम्मी कि जैसे मैं कर रही हूँ उसी तरह से तुम लोग भी मुझे करना। तो इस तरह से वो सिखाती रहती हैं, बताती रहती हैं, किचन में वो हेल्प भी कर रही हैं मेरी। तो वो भी बैठी हैं, बता रही हैं। तो अभी सब्जी देखिए, आलू बॉयल हो गया था तो छील करके काट लिए हैं और एक साइड सब्जी बन रही है। तब तक सोची कि मम्मी दाल को पीस करके ला दी थी तो एक साइड मैंने पूड़ी बनाना शुरू कर दिया। तो मम्मी बोली कि छोटी छोटी पांच पूड़ियां बनाना चढ़ाने के लिए, क्योंकि पांच जगह निकालना होता है। तो मैं इस तरह से छोटी छोटी पांच पूड़ियां बनाई निकालने के लिए और फिर सारी बाकी पूड़ियां मैं वो बड़ी बड़ी बनाई। और सादी पूड़ी भी बनाने के लिए बोली मम्मी कि पांच सादी बना दो और पांच छोटी छोटी दाल वाली पूरन पूड़ी बना दो। और सारा चीज़ मेरा बन करके रेडी हो गया है फ्रेंड्स। फिर बोली कि गुड़ और चावल थोड़ा सा कटोरी में रख दो क्योंकि कोई तो खाएगा नहीं, और उसकी बना दो गुड़ वाली मीठी खीर। तो वो बनाई। और एक बनाया जाता है मिर्चवान, उसके लिए पानी रखेंगे, उसमें चीनी डालेंगे, घी डालेंगे और काली मिर्च को पीस करके उसे पका लेंगे, वो भी चढ़ता है। और मम्मी बोली कि मैं नहा करके ऊपर जा रही हूँ, तब तक तुम थाली लगा करके छत पे लेकर आना, मैं तब तक चल रही हूँ। तो देखिए मेरा सारा खाना बन करके रेडी हो गया है फ्रेंड्स। अब हम थाली लगा लेंगे और लेकर चलेंगे ऊपर। तो चावल, पूड़ी और वड़ा, रिक्वस, दाल सब चीज़ मैंने बना लिया है और थाली में लगा ली हूँ। और ये मिर्चवान जो है उसे भी गिलास में ले लेंगे। और मेरी देखिए पूरी थाली रेडी हो गई है, अब हम चलेंगे ऊपर लेकर। मिर्चवान बनाने के लिए हम एक गिलास पानी लेंगे और उसमें चीनी डालेंगे, काली मिर्च ज़्यादा डालेंगे, काली मिर्च का पाउडर और घी डालेंगे और उसको पका करके चढ़ाते हैं। और सबसे पहले जब हम लोग पीते हैं तो पानी नहीं पीते हैं, उसे ही पीते हैं ताकि गले में जैसे कभी कभी सर्दी हो, जैसे गला में काटा जैसे चुभने लगता है, तो उसे पीने से ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। जब भी आप निर्जला व्रत रहे ना तो उसी तरह से उसे बना करके पिए। तो देखिए छत पे आ गई हूँ, इतना ठंडा मौसम था, इतनी तेज़ हवा चल रही थी और एकदम सुहाना मौसम था। जिस दिन से हम लोग व्रत रखे थे ना उस दिन से भगवान की महिमा देखिए कि मौसम बहुत ही अच्छा था और थोड़ा सा भी हम लोगों को नहीं लगा कि हम लोग व्रत हैं। और ऊपर आ गए और मम्मी चढ़ा रही हैं अगरबत्ती और कपूर, जलाना तो मुश्किल हो गया था, जल ही नहीं रहा था, बहुत तेज़ हवा थी। उसी बीच में दीदी का फ़ोन आ गया तो मम्मी को दी बात करने के लिए। और पांच जगह पांच दोने में मम्मी निकाल रही हैं सब दाल, चावल, पूड़ी, जितना भी सब पकवान है सब निकाल रही हैं। और साड़ी भी चढ़ाया जाता है और वो माले में जो जितिया पिरो करके हम लोग पहनते हैं वो भी चढ़ाया जाता है। जब चढ़ा लेंगी तो हम लोग गले में डाल करके दो चना खड़ा और तीन खड़ी जैसे साबुत उड़द, हम लोग पानी से निगलना होता है उसे साबुत, उसके बाद ही कुछ अन्न जल हम लोग खाएंगे पिएंगे। पहले हम लोग चना और उड़द को पहले हम लोग निगल लेते हैं, उसके बाद कुछ करते हैं। तो यहीं पे जब पूजा हो जाएगा मम्मी चढ़ा लेंगी तो उसे हम उसे जाय बोला जाता है हम लोगों के यहाँ। तो हम लोग सबसे पहले जाय का ही पारण करेंगे, उसके बाद कुछ खाएंगे। तो यहाँ पे पूजा कर लेंगे तो मम्मी बोली कि चलो साइड में हम लोग नीचे धूप अगरबत्ती कर लेंगे और ऊपर पूजा कर लेते हैं। इस तरीके से मम्मी पांच जगह सब खाना निकाली, एक कुत्ते के लिए, एक गाय के लिए और एक ऊपर रख दी पंछियों के लिए और एक दोना दादी के लिए निकाली थी।
और चारों तरफ हम चना और उड़द खड़ी उड़द जो साबुत है चारों दिशाओं में फेंक लेंगे। उसके बाद हम लोग पानी से निगलते हैं उसको और फिर नीचे जब जाएंगे तो पहले पानी नहीं पिएंगे, पहले जो हम मिर्चवान बनाए थे उसको गर्म करके चाय की तरह पिएंगे, उसके बाद ही कुछ पिएंगे। तो यहाँ पे पूजा हो जाएगा तो मम्मी जीतिया मुझे भी पहनने के लिए देंगी और खुद भी पहनेंगी, और वो धागे वाली जीतिया जिसमें सोने चांदी की लॉकेट की तरह बना करके पहनते हैं उसे पहन कर ही पानी पिएंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।